परवाणु वार्ड नंबर 6 नगर परिषद चुनावों को लेकर सबसे हॉट वार्ड बना हुआ है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर परिषद के अध्यक्ष ठाकुरदास शर्मा इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। ठाकुरदास कांग्रेस समर्थक पार्षद हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने वार्ड से जहां भाजपा को टक्कर देनी है, वहीं उन्हें कांग्रेस विचारधारा से जुड़े दिनेश आजाद का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए भी वार्ड नंबर 6 में जीत हासिल करना नाक का सवाल बन चुका है। चुनावों में निपुण और बेहद अनुभव रखने वाले ठाकुरदास शर्मा जीत हासिल करने के लिए अपनी बिसात बिछानी आरंभ कर दी है और वे आश्वासित हैं कि उनके वार्ड के मतदाता उनके द्वारा करवाए गए विकास के कार्यों को सराहेगी और उन्हें एक बार फिर से विजय हासिल करवाएगी। ठाकुरदास शर्मा से जब कांग्रेस से भागी हुए आजाद उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय लिया गया है वह पार्टी के आला नेताओं द्वारा लिया गया है। उन्हें जो व्यक्ति ज्यादा सक्षम लगा उसे उन्होंने अपना प्रत्याशी चुना। उन्होंने कहा कि आजाद उम्मीदवार दो बार असफल भी हो चुके हैं, इसलिए शायद उन्हें इस बार यहां से चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए उन पर नगर परिषद के कार्यों को लेकर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन आरोपों पर मुख्यमंत्री के आदेशों पर जांच भी चल रही है, इसलिए वे जांच के पूरा होने का इंतजार करें, सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी भी दी है कि वे खामोश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जवाब देना नहीं आता, वे राजनीति के दाव पेच से वाकिफ हैं, लेकिन वे विवादों में पड़कर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करना चाहते। ही रहेंगे, मैं रहूं वो रहे क्या रहे, देखो हमारी हाईकमांड जो जैसे फैसला करेगी। अगर हाईकमांड मेरे को कहते हैं ठाकुरदास जी आपने नहीं लड़ना तो मैं तैयार, लेकिन एक चेहरा ये कहता है इस वार्ड से मेरे दूसरे वार्डों में, वो भी हमारे बच्चे मेरे बेटे की तरह है, छोटे भाई की तरह है, और लोगों ने काम किया वो भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ज्यादा दो दफा हार रहे हैं, थोड़ी सी थी इस वजह से रही है बात। और हमारी कोशिश ये भी थी कि उनको साथ में उतार दें, लेकिन 7 नंबर वार्ड में पहले सिटिंग है, वहाँ काम बड़े हुए हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हुआ इनको बैठ के हल हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं बड़ी जिद भी नहीं करता किसी चीज़ की, अगर इन सबको लगता भी हो पर, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा खड़ा होना इसलिए जरूरी है, मेरे साथ दूसरे वार्डों पे भी असर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ठाकुरदास जी किसी भी वार्ड से खड़े हो जाएंगे जीत जाएंगे, तो हमने कुछ काम किए हुए हैं लोगों के। मैं 5 साल में 5 मिनट बैठ के नहीं देखा, 5 मिनट भी मैं एक बैठ के कहीं देखा हूँ। जो काम करते हैं उससे 100 गलतियां भी होती हैं। मैं अपने जो हमारे भाई हम मेरे पर पत्थर छिंटे फेंक रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ बोला थोड़ा शांति से काम लें, विजिलेंस इंक्वायरी कर रही है, सब कुछ साफ आ जाएगा, सब सामने आएगा। मैं खुद मिलता हूँ, जब भी विजिलेंस आती है तो मैं उनसे खुद मिलता हूँ, कभी भागने की कोशिश, मैं क्यों भागूँ, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो जरूर भागूँगा, मैं नहीं भागता, मैं खुद मिलता हूँ उनको, बताता हूँ ये है, अगर जो जिसने किया हो उनको भी पता हमें भी पता सब लग जाएगा पता, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और आज भी जो लोग मेरे ऊपर वो कर रहे हैं, मैं उनको अपने बड़े भाई से भी उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे मुंह से आज तक कभी इतना सब कुछ हो रहा है, कभी कोई बयान आया हो कुछ बोला, ये नहीं है कि मेरे को बोलना नहीं आता या मेरे को पता नहीं है, मैं बड़ा हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन उनसे नहीं बोलना चाहते, अब बोल के अपना नहीं करना चाहते, और ये सब सामने आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इंक्वायरी ऑर्डर कर रखे हैं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है।